हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बातें में। तो आज का हमारा टॉपिक है सी एस सी बी एल ई आई डी से ऑपरेटर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सी एस सी बी एल ई आई डी में चार ऑपरेटर आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं और उस पर हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ऑपरेटर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं सीएससी बैंकिंग एंड सर्विस से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ऑपरेटर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल से आपको लैपटॉप या मोबाइल के डैशबोर्ड पर आ जाना है और कोई सी ब्राउजर ओपन करना है। बाद आपको सर्च बार में लिखना है सी एस सी। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल सी एस सी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहले से आपका आईडी लॉगिन है तो यहाँ से पहले लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने के बाद अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। सी एस सी डैशबोर्ड पर आने के बाद सिंपल से आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे माई अकाउंट पर आ जाना है। माई अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा माई प्रोफाइल और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ऑपरेटर्स। तो सिंपल से आपको ऑपरेटर्स पर क्लिक कर देना है। ऑपरेटर्स पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे हमारा पहले से ही तीन ऑपरेटर मौजूद है, तो सिंपल से यहाँ पे हम एक और ऑपरेटर जोड़ना चाहते हैं तो सिंपल से आपको ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसका आप आईडी बनाना चाहते हैं सिंपल से आपका उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो सिंपल से आपको फर्स्ट में जिसका आईडी आप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको उसका आधार नंबर फिल करना है। सेकेंड में आपको ऑपरेटर्स का फुल नेम फिल करना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से सिंपल से आप मेल कैंडिडेट का बना रहे हैं तो मेल चूज कर देना है और फीमेल का बना रहे हैं तो फीमेल चूज करना है। और सिंपल से आपको पहले जिसका आईडी बना रहे हैं वहाँ पे आपको उसका मेल आईडी फिल कर देना है। मेल फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोलेगा, तो सिंपल से आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सिंपल से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपल से आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे सेंड ओटीपी क्लिक कर देना। सेंड ओटीपी क्लिक करते ही आपका ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा ऑपरेटर के। सिंपल से आपको वहाँ से उसका ओटीपी पूछ लेना है और सिंपल से यहाँ पे आपको फिल करना है। तो सिंपल से आपको ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंपल से आपका मेल वेरीफाई हो गया है, यहाँ से आपको मोबाइल वेरीफाई करना है। तो सिंपल से आपको मोबाइल सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही उनके मोबाइल पे ओटीपी चल जाएगा। सिंपल से आपको उससे पूछ लेना है और यहाँ पे फिल कर देना है। सिंपल से आपको मोबाइल ओटीपी फिल करके यहाँ पे फिर से वैलिड पे क्लिक कर देना है। वैलिड पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे आईडी क्लियर पर ब्लू टिक लगाना है और सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते तो सबमिट करने के बाद आप जिसका भी ऑपरेटर आईडी क्रिएट कर रहे थे सिंपल से उसके मेल एड्रेस पे आईडी और पासपोर्ट चला जाएगा। तो सिंपल से आपको वहाँ पे उसको बोलना है कि आपके मेल एड्रेस पे आईडी और पासपोर्ट चला गया है, अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं सी एस सी से ऑपरेटर आईडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।